सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस तो चलिए देखते हैं हमारा आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 12 जो चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट साइन स्क्वायर ट्वेल्व प्लस साइन स्क्वायर सेवेंटी एट डिग्री इज इक्वल टू देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्यों आसान है सर क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए प्रूव नहीं करना था उनको इवैल्यूएट करना था उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी है ना हाँ तो बस उसको पुट करके छह क्वेश्चन है इसमें वन टू थ्री फोर सॉरी वन टू थर्ड एंड फोर्थ ये वाला आपका थर्ड है ठीक है मतलब गलती से मैंने फोर पहले लिख दिया तो मैंने सोचा मिटाना क्यों है आप लोग समझदार हैं है ना इसके बाद फिर हम लोग दोनों करेंगे इसी वीडियो में ठीक है अगला दोनों छह क्वेश्चंस है ना तो चलिए फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं क्या लिखा है साइन स्क्वायर ट्वेल्व प्लस साइंस स्क्वायर सेवेंटी एट डिग्री इक्वल टू वन प्रूफ करना है सिंपली आप एल एच कर दिएगा प्रूफ हो जाएगा वो सब तो आपको पता है बहुत दिन से आप बना रहे मैथ्स है ना लेकिन आप अप्रोच कैसे कीजिएगा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को वो देखते हैं पहले देखिए आपको यहां साइन स्क्वायर थीटा दिया है यहां साइन स्क्वायर अल्फा बीटा गामा कुछ और दिया है ना क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों डिफरेंट है, है ना लेकिन बीच में क्या है प्लस है और आपको एक क्या पता है हमको आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला पता है कि थीटा प्लस क्या होता, है? होता है, सर, है ना हाँ मतलब लेकिन दोनों का यही है ना 90 में 78 गया तो 12 बचा है ना हाँ सर 78 ही ना बोलते हैं इसको हाँ सर जो भी बोलते हैं एलएचएस मान लेते हैं पहले इसको ठीक है डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये इसको सेम ही रहने देना है क्यों सर क्योंकि हमको एक साइड चाहिए कॉस दूसरे साइड चाहिए साइन तब ना कॉसा प्लस साइंस टू वन होगा हाँ सर बहुत सही पकड़े आप लोग अब देखिए साइन साइन थीटा साइन नाइनटी माइनस ठीठा क्या होता है कॉस थीटा होता है तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए थीटा यहां सेवेंटी एट डिग्री है तो सेवेंटी एट डिग्री हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हमको पता है फॉर्मूला सर की कॉस्को ठीटा प्लस साइंसा क्या होता है One होता है इज इक्वल टू भैया बहुत आसान सर ज्यादा बेहद आसान वाहियात क्वेश्चन था सर एक मिनट में बनता लेकिन आपको वहां लिखना पड़ेगा रीजन बिकॉज बिकॉज ब्रैकेट में कॉस्को थीटा प्लस साइंस का ठीटा या साइंस को ठीटा प्लस कॉस्को ठीटा इज इक्वल टू वन होता है अब यहां पे कैसे आप चेंज कीजिएगा यहां फिर से आइडेंटिटी वाला आपको फॉर्मूला याद आएगा वन है क्या याद आया सर बताइए सेक और कॉट या कॉसेक और कॉट है ना हा आप अगर इसको चेंज करते हैं किसमें में कॉसेक में है ना तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन बनता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है ना सर हाँ सर या फिर अगर आप इसको चेंज करते हैं टेन स्क्वायर थीटा में सेक्स थीटा माइनस टेन स्क्वायर टू वन होता है सर आपको हमेशा याद रखना है बहुत सही सर आप लोग बहुत आगे जाइएगा हमको बताए अब सेक्सर थीटा को हमको किसी में कॉसेक में चेंज कर दीजिए या तो कॉट को टेक टेन में चेंज कर दिए टेक नहीं हाँ हाँ हा, तो मतलब चेंज कीजिए लेकिन दोनों में से एक को चेंज कीजिए दोनों को अगर चेंज किया जाएगा गड़बड़ हो जाएगा भैया तो हम इसको स्क्वायर को चेंज करते हैं आप कॉर्ट को चेंज करके देखिएगा को चेंज करेंगे या तो क्या होगा स्क्वायर में कितना माइनस करेंगे ट्वेंटी तो ट्वेंटी इधर को तो चेंज करने बोले नहीं सर आप लोग तो नहीं किए सर आप लोग बोलते तो कर देते दोनों को चेंज नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं था अब सेक सेक क्या बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक कौन होता है कॉसेक होता है सर तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा थीटा हियर इज सिक्स वन स्क्र है तो लग स्क्वा कॉट थीटा है ना अब कॉसेक्स थीटा माइनस कॉस एक्सर थीटा वन है ना तो लिख दिए सर वन इज इक्वल टू आर एच एच और भैया ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूफ हो गया ठीक है चलिए वाला अब बोलिएगा आप सर कॉस कॉ स्क्वायर ठीठा माइनस हेन्सक्वायर है, है ना? लेकिन सर अल्फा है दोनों का एंगल अलग है लेकिन फिर भी सर अगर आप मान लीजिए हो गया लेकिन प्रूफ तो सर जीरो करना है ना और प्लस में वन होता है सर माइनस में नहीं होता है बाकी सब में माइनस में होता है लेकिन कॉस और साइन में प्लस में होता है हमेशा याद रखिए ठीक है थीके? मतलब रिकैप भी करते जा रहे हैं अपनी थ्योरीज को जो हम लोगों ने इंट्रो वाली वीडियो में कर रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आधा घंटा में हम हम लोग लोगों ने टेंथ का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हाँ मतलब टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री होता है ना उसके बाद तो बहुत हाईर लेवल पे कैलकुलस वगैरह हो जाता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन तो वह सब छोड़िए अभी आपको अगर टेंथ का पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंट्रो वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा आधे घंटे के अंदर 28 मिनट 25 मिनट के अंदर मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया आप जाके पढ़ सकते हैं चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से आप देखिए यहां जीरो प्रूफ करना है तो ये और ये वैल्यू सेम हो जाएगा माइनस से जीरो हो जाएगा सर तो इसको चेंज कीजिए क्या सर कॉ स्क्वायर नाइनटी डिग्री माइनस थर्टी थ्री डिग्री वही होता है ना फिफ्टी सेवन डिग्री माइनस साइंस स्क्वायर क्या सर थर्टी थ्री डिग्री एल एच एस लिए सर हर जगह एल एच एस लेना है ठीक है भूलना नहीं है ये क्या हो जाएगा कॉस नाइनटी माइनस होता है सर साइन ठीक थर्टी थ्री डिग्री साइन स्क्वायर थर्टी थ्री डिग्री स्क्वायर है सर ये सर दोनों वैल्यू सेम है सर जीरो हो जीरोक्वल टू आर एच एस हो जाएगा देखिए क्वेश्चन आसान है सर लेकिन समझना है बस हमको ठीक है हमको फॉर्मूलाज भी तो याद रखने हैं ना अपने हाँ क्वेश्चंस तो बहुत आसान है सर बच्चे बच्चे बना लेंगे क्वेश्चंस हम लोग एलकेजी क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री के एलकेजी क्लास ले रहे थे तब ऐसे क्वेश्चंस बनाते थे यहां देखिए फिर से प्रूफ करना है जीरो तो यहां स्क्वायर होगा क्वेश्चन में सर स्क्वायर होगा सर पक्का होगा सर स्क्वायर मतलब क्वेश्चन तो याद नहीं है वैसे लेकिन होना चाहिए हाँ सर स्क्वायर है तो देखिए क्यों स्क्वायर है सर क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी तो जीरो होगा एक में स्क्वायर होगा एक में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ना सर तो इसको चेंज कीजिए ये तो कॉट में ही चेंज होगा ना तो ये क्या हो जाएगा टेन थर्टी 34 डिग्री है ना माइनस डिग्री है, है तो दोनों वैल्यू सेम हो गए जीरो प्रूफ अगले दोनों क्वेश्चन करते हैं जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं देखिए ये दोनों हमारा फाइव और सिक्स क्वेश्चन है अब आप इसको देख के आप बोलेगा छी सर इसको इस पर भी आपको वीडियो बना पर, बनाना मतलब वीडियो बनाना पड़ गया क्या मतलब अभी आप लोगों ने वो चार क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन तो आपसे अपने से बनना चाहिए बहुत ही ज्यादा बेहद वाहियात आसान क्वेश्चन है चलिए देखिए यहां पे देखिए सेक्स स्क् कॉट स्क्वायर अल्फा ठीक है अलग अलग वैल्यूज है दोनों एंगल्स की लेकिन अगर हमको सेम वैल्यू मिल जाए तो एक फॉर्मूला कौन सा सर आइडेंटिटी वाला या तो स्क्वायर थीटा सेक्सा टेन स्क्टाज या तो कॉसेक्सक्टर ठीठा माइनस इज इक्वल टू वन है ना तो सेक को ही चेंज कर देते हैं जल्दी से तो सेक्स स्क्वायर थीटा मतलब नाइनटी माइनस कितना नाइनटी में कितना माइनस करेंगे जो फिफ्टी आएगा सर फोर्टी माइनस करेंगे ठीक है सर स्क्वायर फोर्टी डिग्री ये एल एच एस माना हुआ है सर भैया हम लोगों ने ठीक है एल एच एस में ना आपको पूरा ये वाला उतारना है पहला मतलब बकायदा पूरा एक क्वेश्चन पहले फिर से उतारना है उसके बाद आपको बनाना है तीन स्टेप में तो आंसर आना चाहिए सर ये ये देखिए क्या हो जाएगा सर कॉसेक्स स्क्वायर थीटा थीटा इज फोर्टी डिग्री माइनस कोट स्क्वायर क्या 40 डिग्री अब कॉट को ठीठा माइनस x को ठीठा माइनस cot को ठीठा क्या होता है सर 1 होता है भैया तो 1 इज इक्वल टू RHS सर

क्या स्क्वायर 90 में कितना माइनस करेंगे बहत्तर आएगा सर 18 माइनस करेंगे सर सर ठीक है स्क्वायर डिग्री इज इक्वल टू बिकॉज वी टेक इट एज अ एच एस ओके राइट हैंड साइड ठीक है अब कॉसिक्स स्क्वायर नाइनटी थीटा होता है क्या सेक्स स्क्वायर थीठा थीठा क्या है सर 18 है माइनस टेन स्क्वायर एटीन है दोनों ठीठा ठीठा बराबर हो गया यानी कि इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा वन इज इक्वल टू आर एच एस और एक और क्या लिखने के लिए हम तड़प रहे थे सर इतने देर से हैं प्रूव्ड जो कि आपको सारे क्वेश्चंस में लिखना था तो ये हो गए हमारे छह के छह क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं